जमीन विवाद को लेकर पीड़ित व्यक्ति जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। लखीमपुर खीरी के सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनगी खुर्द के पीड़ित पक्ष सुशील कुमार पुत्र राम कुमार ने बताया कि रमाकांत धोखाधड़ी करके जमीन अपने नाम करवा लिया है। इसी विवाद को लेकर पीड़ित जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलाने की मांग की है। पक्ष सुशील कुमार ने बताया है कि रमाकांत चंद्रिका प्रसाद का पुत्र है और रमाकांत बाबूराम का पुत्र बनकर धोखाधड़ी फर्जी व जाली दस्तावेज फर्जी मार्कशीट आधार कार्ड बनवा कर बाबूराम की पोस्ट पर नौकरी करने लगा तथा अपने ताऊ आदि की जमीन भी हड़प ली। अब की बाबूराम की संपत्ति के हकदार रामविलास के दो पुत्र राम कुमार व ओम प्रकाश भी है। यहाँ जाँच का विषय है, अगर उच्च अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जाँच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। किस गांव के निवासी हो? पनगी खुर्द, थाना कुतवाली। तहसील कौन सी? तहफीली, फदर तहफीली, लखीमपुर जी। ठीक, क्या मामला है आपका? मामला यही कि भोले के तीन लड़का थे, बाबू राम और रामिला चंद्रिका। बाबू के दुई लड़की थी, और रामिला के दो लड़के थे, राम कुमार ओम प्रकाश। चंद्रिका के तीन लड़के थे, रमाकांत श्री राम तक पत्नी महेश्वरी और तीरथ राम, और बाबू राम की तहफीली में यहाँ नौकरी चल रही रहा। उनके माता का फरम पर चंद्रिका क्या लड़का बाबू क्या बनकर नौकरी करेला। सारी जमीन एक पट्टा तीन सारी तीनों बाबा के जमीन भी हड़प है और नौकरी कर रहा है। हम कई जगह अप्लीकेशन न कोई अधिकारी बिना अप्लीकेशन से न चल रही है, तब भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बताओ, जो रमाकांत है हाँ। ये किसका लड़का था? चंद्रिका का। और जो बाबू राम है वो चंद्रिका के कौन भाई थे? दाऊ थे। चंद्रिका के भाई थे। तो ये अपने बाबू राम इसके कौन थे? रमाकांत के भाई। और ये लड़का बन रहा है? दौवा कहाँ अपने बाप बनाए रहा? हाँ, और तुम्हारे पास जो परिवार रजिस्टर नकल वगैरह है उसमें पुत्र चंद्रिका है। और चार फीट में भी सन 2020 में मारपीट हुआ था, उसमें अनिल द्वारा लगाई गई चार फीट में आरोप पत्र पर चंद्रिका है। और ये तुम्हारे पास जो परिवार नकल है उसमें चंद्रिका इसके पिता घोषित हैं। तीनों बच्चे जो हैं चंद्रिका के, वो तीनों चंद्रिका के दर्शाए हुए हैं। लेकिन अब ये बना रहा है बाबू राम जबकि इसके ताऊ थे। ठीक है, आपने कहा एप्लीकेशन कहाँ दी? DM ST मुख्यमंत्री के पास। इस समय कहाँ पर दी है? इस समय जिला अधिकारी के यहाँ। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जी? नहीं हुई है, हमें आज तक कोई सूचना ही नहीं मिली है। ठीक।